वीर तो थे और हमेशा वीर रहेंगे। और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमए करने वाले वे भारत के सर्वप्रथम भारतीय छात्र थे। सब्सक्राइब कीजिए द गो राइडर्स चैनल को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक, आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि मांडवी जो कि गुजरात में आता है उसका वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मांडवी टाउन में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो चलिए लेट्स वॉच। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा वे हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी थे और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमए करने वाले वे भारत के सर्वप्रथम भारतीय छात्र थे। पंडित जी संस्कृत भाषा में विद्वान थे, इसीलिए उन्हें पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को पंडित जी का टाइटल दिया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का निधन 30 मार्च 1930 को जनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। यहाँ पे जो ये गोल्फ में सेंटर पॉइंट दिखाया गया है, ये सेंटर पॉइंट जिनीवा स्विट्जरलैंड दिखाया गया है। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने अपने निधन से पहले जिनेवा की स्थानिक सरकार को उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। पंडित जी की इच्छा थी कि जब तक भारत देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, आज़ाद, तब तक इनकी अस्थियाँ जिनीवा में संभाल कर रखी जाए। तो उन्होंने 1930 में जिनेवा की लोकल सरकार के साथ 100 साल के लिए दोनों पति पत्नी की अस्थियां विल बनाकर गए थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने केवल 100 साल का टारगेट रखा। पंडित जी ने सोचा कि 1930 में देश को कब आज़ादी मिलेगी उस समय कहना उचित नहीं था, तो 100 साल का उन्होंने टारगेट रखा कि भाई 100 साल के भीतर जब भी भारत देश आज़ाद होता है किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, तो मेरी अस्थियां आज़ाद भारत और कच्छ मांडवी मेरे वतन में रिटर्न की जाए। पंडित जी के जाने के बाद 17 सालों में हमारे देश भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन पंडित जी की अस्थियां लाने कोई गए नहीं या किसी को पता ना हो, जो भी बना वो समय की बात है। फिर 22 अगस्त 2003 में उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हें जब पता चला तो वे 22 अगस्त 2003 को जिनीवा गए। वहाँ से श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती भानुमती जी की अस्थियाँ वे जिनीवा से लेकर आए बायप्लेन से मुंबई। तो ये बायप्लेन का पूरा कंसेप्ट दिखाया गया है कार के जरिए। और फिर इसी प्रकार से मुंबई से रथ यात्रा पास हुई थी जो व्हाइट वाला, हाँ जो व्हाइट वाला पूरा ये रूट बना हुआ है जो गुजरात राज्य के 17 जिले के 61 प्लेसेस में से जहाँ जहाँ से यात्रा पास हुई उस समय गुजरात सरकार ने उस यात्रा को नाम दिया था वीरांजलि रथ यात्रा, वीरों को अंजलि। तो गुजरात राज्य के 17 जिले के 61 प्लेसेस में से यात्रा पास हुई और अंतिम में मांडवी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की जन्मस्थली। पंडित जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था कि हमारे देश में पूरा जो वातावरण था वो क्रांतिमय था। 4 अक्टूबर 1857 को, 1857 का महासंग्राम हमारे देश में वो माहौल था, तो उनकी 4 अक्टूबर को श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का जन्म मांडवी में हुआ था। वे मांडवी के भानुशाली समाज में से थे और गुजरात सरकार ने 13 दिसंबर 2010 को इस मेमोरियल का लोकार्पण किया है माननीय मोदी जी के हस्तगत। अभी जो उनकी अस्थि कलश जो है सामने वहीं रखी है जो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की अस्थि और श्रीमती भानुमती जी की अस्थियां हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का लंदन में मकान था, इंडिया हाउस। हमारे देश के जितने भी भारतीय छात्र थे जो वकीलात की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाते थे,
तो उसी समय हमारे भारतीय विद्यार्थियों को श्याम जी कृष्ण वर्मा जी स्कॉलरशिप दिया करते थे और रहने के लिए तमाम सुविधा वे इंडिया हाउस में प्रोवाइड करते थे। तो गुजरात सरकार ने इंडिया हाउस की रेप्लिका को यहाँ पे तैयार किया है। बाहर जो बिल्डिंग है ना रेड एंड वाइट, वो इंडिया हाउस की प्रतिकृति है। लंदन में इंडिया हाउस जो था वो है पीछे जो आपको दिख रहा है। उस समय हमारे देश के बहुत सारे नामी अनामी क्रांतिकारी इसी इंडिया हाउस में रहते थे, जैसे वीर सावरकर, मदनलाल दिगरा, वीवीएस अय्यर, चंपक रमन पिल्लई, भाई परमानंद, लाला हरदयाल, ऐसे असंख्य क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के लंदन के इंडिया हाउस में रहकर हमारी मातृभूमि की आज़ादी के लिए चर्चाएं करते थे, योजनाएं बनाते थे। तो गुजरात सरकार ने इसका प्रतीक यहां तैयार किया है, जो आने वाली पीढ़ी को पता चले कि श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे, अन्यथा उनके साथ कितने फ्रीडम फाइटरों ने हमारी मातृभूमि के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। तो उनकी गौरव गाथा है यहाँ पर। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप प्रतिमा, हमारे श्री श्याम जी, श्याम कृष्णा जी का ये है, उनकी वाइफ श्रीमती भानु कृष्ण वर्मा जी की, उनकी वाइफ देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्रतिमा है। लंदन का इंडिया बहुत डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना, इतनी महान हस्ती के बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, आप देख सकते हैं कल 23 मार्च था जिस दिन हमारे ये महान हस्तियों को फांसी की सजा दी गई थी, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। आप सबको तो पता ही होगा कि 23 मार्च 1931 को हमारे इन महापुरुषों को फांसी दे दी गई थी, जो हमारे देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। वीर तो थे और हमेशा वीर रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों, ये मांडवी में पैलेस है, विजय विलास पैलेस।